नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, 15 नवंबर को बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 15 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इसका आपकी राशि वृश्चिक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? कौन से जीवन में बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे? क्या शुभ घटनाएं होने वाली है? विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दर्शकों, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। आपके जीवन को एक नई दिशा जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले शनिदेव की स्थिति को समझें। तो आपके लिए राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। कुंभ राशि में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको शनि की ढैया भी लगी हुई है। इस कारण काफी परेशान तो आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित तौर पर शनिदेव कष्ट दे रहे हैं आपको, एक तरह से उलझनों में फंसा रखा है। परंतु देखिए दर्शकों, शनिदेव जून से वक्री हुए थे, तो यहाँ पर स्थितियों में और दिक्कतें बढ़ी है आपके लिए। कोई नुकसान भी झेले होंगे आपने। परंतु देखिए, अब जब ये मार्गी हो जाएंगे, एक सीधी गति में चलने लग जाएंगे, तो यहाँ से रिजल्ट आपके फेवर में आने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दर्शकों, कुंभ राशि में शनिदेव 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। उसके बाद वो मीन राशि में जाएंगे, आपकी राशि से पंचम में। तो ये जो ये समय है लगभग 135 दिनों का, ये आपके लिए जीवन में शुभता लेकर आ रहा है। एक तरह से शनि ढैया के बीच में मरहम लगाने का ये काम करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। अब बात करते हैं कि आपको लाभ क्या हो रहे हैं। देखिए, आपका फोर्थ हाउस सबसे पहले एक्टिवेट होगा। तो सबसे बड़ा लाभ तो आपके जीवन में ये होगा कि आपके परिवार में कलह का कारण बना हुआ है। मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा हो रखी है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं परिवार में, छोटी छोटी बात को लेकर कलेश बना रहता है। तो इसमें अब आपकी राहत मिलेगी, परिवार में सुख शांति आएगी। ये बहुत अच्छी स्थिति बनी है। और आपके जीवन में भी मानसिक तौर पर आप काफी परेशान हैं, तो मानसिक चिंताओं से धीरे धीरे मुक्त होंगे, ये अच्छी चीज है। स्ट्रेस कम होगा आपका, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि आपके माताजी की सेहत में अगर गिरावट थी, हेल्थ इश्यूज हैं आपके माताजी को, तो वो उनकी हेल्थ में सुधार होगा। काफी अच्छी स्थिति बन रही है, धीरे धीरे उनकी सेहत में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ दर्शकों, यहाँ पर अगर आपका कोई परिवार में कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का विवाद या किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी में आप फंसे हुए हैं, कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। आपके फेवर में रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, यहाँ पर अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी इस समय आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, अच्छी रकम आपको मिल सकती है। इस मामले में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय काफी शुभ है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी समय शुभ है। घर में कोई नया रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये समय शुभ है। आपके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे और जीवन में शुभता आएगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि वर्क प्लेस का तनाव भी आपका कम होगा, क्योंकि देखिए शनि का प्रभाव आपके लिए शुभ बन रहा है। तो आपके कार्य क्षेत्र पर जो आपके काम का जो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, हमेशा कोई ना कोई तनाव बना रहता है, उसमें राहत महसूस करेंगे। और साथ ही आपको नए अवसर मिलेंगे आपके करियर में ग्रोथ करने के लिए। उन अवसरों को गंवाइए मत, क्योंकि देखिए कई बार आप अपने ही मन में एक तरह से घुटते रहते हैं, उलझनों में रहते हैं कि ये कुछ करूं या ना करूं। डिसीजन लेने में आपको समय लगता है, तो इस बात को थोड़ा पकड़िए कि कोई अच्छा अवसर मिलता है तो उसको गवाइए मत, मन में घुटते मत रहिए। अच्छे सलाहकार से सलाह ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि सलाह की जरूरत है, तो जरूर आप सलाह लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। परंतु आपको अवसरों को गंवाना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज अच्छी ये भी है कि अगर आप किसी तरह से आप गवर्नमेंट फील्ड में काम करते हैं, तो ये समय शुभ है। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, या फिर आप किसी तरह से कम्युनिकेशन का काम करते हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम भी बढ़ेगा, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। आपको नई अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी मिल रही है, तो आप ग्रैब करिए, जॉब स्विच भी कर सकते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए भी समय नई जॉब को लेकर आ रहा है। शनि का मार्गी होना आपको नई नौकरी जरूर दिलाएगा, आप प्रयास करिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात ये भी है, अगर आप कोई कोर्ट केसेस वगैरह में उलझे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलने के अवसर मिलेंगे। इस मामले में भी आप लकी हैं। साथ ही इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि व्यर्थ के वाद विवाद में दोबारा मत पड़िए, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी दुश्मनियाँ अपने आप बन जाती है, लोग आपके शत्रु अपने आप बन जाते हैं।
थोड़ा सा आपके अंदर भी इस बात को समझना होगा, इस बात को मानना भी होगा कि कई बार आप भी बदले की भावना रखते हैं, इस कारण दिक्कतों में फिर आप पड़ जाते हैं। तो इन मामलों से दूर रहिए, व्यर्थ के झगड़ों में फंसेंगे तो फिर और दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि की फिर नीच दृष्टि है 6th हाउस पर, फिर और कोई ना कोई कोर्ट केसेस, मुकदमे, ऐसा चलता रहेगा जीवन में। तो इन सब मामलों से दूर रहिए, किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी दो व्यक्तियों के बीच आप गारंटर मत बनिए, अन्यथा आप फिर दिक्कतों में पड़ेंगे, इस बात को समझना होगा आपको। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर व्यर्थ का कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक पैसा उधार मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फिर दिक्कतों का कारण बनता है। कर्ज लेने से बचना चाहिए और आपको पैसा किसी को उधार देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शनि जब तक आपके चतुर्थ में गोचर करेंगे तो ये पैसा आपका फंसा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आपका पैसा आपके पास ही रहे वही उचित है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक सावधानी ये भी रखनी है कि शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए। लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी स्थिति है, ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, अन्यथा नुकसान में पड़ सकते हैं आप। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये समय पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपका समय सहयोग करेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बड़ी सफलताएं मिलेगी आपको, मान सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही जो लोग व्यापारी हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके व्यापार में स्थितियां शुभ बन रही है, क्योंकि देखिए आपका 3 हाउस आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आप समझिए इसको। क्योंकि देखिए शनि शतभिषेक नक्षत्र में रहेंगे राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके पंचम में बैठे हैं तो पंचम एक्टिवेट हो रहा है, और राहु मीन राशि में बैठे हैं गुरु की राशि में, और गुरु सप्तम में बैठे हैं तो सप्तम भी एक्टिवेट हो रहा है। या व्यापार आपका ग्रोथ करेगा, व्यापार में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, व्यापार में नुकसान झेला है तो भरपाई का समय रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको, और व्यापार में एक तरह से व्यापार को फैलाने का ये समय रहेगा। नए व्यापार की नींव रख सकते हैं, नया कुछ ना कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में है तो उसमें आप आगे बढ़िए, आपका सहयोग करेगा समय और अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनि का प्रभाव आपकी राशि पर है, तो जो एक एक बात को समझना होगा कि खुश रहने का प्रयास करिए, जितनी निराशा है उन सबसे दूर रहिए, अन्यथा फिर आप खुद के मन में ही घुटते रहेंगे। जो आपके मन में बातें हैं उनको शेयर करिए आपके परिवार के लोगों के साथ में, या फिर आपके जो करीबी हैं उनके साथ शेयर करिए। जितना मन में घुटेंगे उतना परेशानियों में रहेंगे, जितना खुश रहने का प्रयास करेंगे तो उससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि शनि की जब दृष्टि राशि पर होती है तो मन में थोड़ी बहुत निराशा आ जाती है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। इसके बाद दर्शकों, शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, शनिदेव के उपाय करिए। इसमें आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाना और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, यह भी आपके जीवन में सहयोग देगा। गरीब असहाय लोगों की मदद करिए जितना आपसे हो सके, लोगों की सेवा करिए, जहां भी मौका मिले लोगों की सेवा करिए, इससे भी लाभ जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनली हमसे जुड़कर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप, हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।